हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर यूट्यूब चैनल माय सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज हम हरियाणा राज्य के रोहतक जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला में हम कुछ वीडियोस पहले भी डाल चुके हैं जो विभिन्न जिलों जैसे हिसार, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल आदि से संबंधित रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये रोहतक जिले का वीडियो है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हरियाणा से संबंधित विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रोहतक की हिस्ट्री से। रोहतक का नामकरण राजा रोहतास भ्रूम के नाम पर हुआ। राजा रोहतास भ्रूम के नाम पर आरंभिक नाम रोहतक का रोहतासगढ़ रहा, उसके बाद रोहितिका और बाद में रोहितिका से रोहतक बना। रोहितिका यहाँ पर एक खास प्रकार की लकड़ी पाई जाती थी जिसके कारण कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रोहतक का नाम रोहितिका से भी निकला है। तो राजा रोहतास भ्रूम के नाम से इनका रोहतक जिले का नाम रखा गया था रोहतासगढ़। उसके बाद ये रोहतासगढ़ से रोहितिका हुआ और अंत में रोहतक, जो अभी तक चल रहा है रोहतक। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया रोहतक पर 1194 ईस्वी में। रोहतक के महम ब्लॉक में महम की बावड़ी बहुत प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक स्थल है। महम की बावड़ी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? राजा सुदोकलाल नामक राजा थे जिनके द्वारा महम की बावड़ी का निर्माण किया गया था। यहीं पर जानी चोर की गुफा भी पाई जाती है। जानी चोर जो एक काफ़ी फेमस चोर माना जाता है हरियाणा के इतिहास में, उसकी गुफा भी महम में पाई जाती है। ये ओल्ड एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित रोहतक के बारे में बातें। अब मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित भी कुछ तथ्य रहे हैं रोहतक में। जैसे रोहतक में कांग्रेस की पहली शाखा कब बनी? 1888 में। 1888 में रोहतक में कांग्रेस की पहली शाखा बनी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा के मुख्य अतिथि कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई थी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद 1929 में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। रोहतक में बनाए गए बम किस वायसराय की रेलगाड़ी उड़ाने के लिए प्रयोग किए गए? लॉर्ड इरविन। ये प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी उड़ाने के लिए जो बम प्रयोग किए गए थे वो कहाँ बनाए गए थे? रोहतक में। ये 1 दिसंबर 1929 को किया गया कार्य था। इसके पश्चात हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक में स्थापित किया गया 1926 में, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज रोहतक में स्थापित हुआ। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया 8 मई 1976 को। और हरियाणा का रोहतक जिला एक ऐसा जिला है जिसमें शिवालिक की पहाड़ियों की कोई रेंज नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियां रोहतक जिले में नहीं पाई जाती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम तथ्य कुछ अलग तरीके से लेते हैं। जैसे साहित्यकार रोहतक से मुख्य साहित्यकार कौन रहे? सैयद गुलाम हुसैन शाह। सैयद गुलाम हुसैन शाह ये एक मुस्लिम संत थे। इनकी काफ़ी साहित्य में इनका नाम मिलता है रोहतक के साहित्य में। जगबीर राठी भी एक जाने माने साहित्यकार हैं रोहतक से। उसके बाद खिलाड़ी साक्षी मलिक। कुश्ती में इनका काफ़ी नाम है। इन्होंने ओलंपिक में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। ममता खरब गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं ममता खरब। 2002 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। इसके पश्चात फिल्मी क्षेत्र को लेते हैं। फिल्मी क्षेत्र में भी रोहतक से काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ रही हैं। अभिनेत्री पूजा बत्रा, गायिका जसविंदर नरूला और एक्टर रणदीप हुड्डा।
अभिनेता रणदीप हुड्डा रोहतक से संबंधित हैं। निर्माता निर्देशक, निर्माता निर्देशक जो फिल्म जगत में रहे, अश्विनी चौधरी, सुभाष घई जाने माने नाम हैं, अशोक घई और अरविंद स्वामी, अरविंद स्वामी भी निर्माता निर्देशक रहे हैं जिनका संबंध रोहतक से है। के पी कौशिक भी जाने माने निर्माता निर्देशक हैं फिल्म जगत के। सांसद कौन है, रोहतक क्षेत्र से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, श्री दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के सांसद हैं। इसके बाद विभिन्न विभूतियां जिन्होंने रोहतक में जन्म लिया जो रोहतक जिले से संबंधित हैं, दीनबंधु सर छोटू राम किसानों का मसीहा इन्हें माना जाता है, इनका जन्म भी रोहतक में हुआ। जगदीश प्रसाद चौधरी राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीतने वाले एक शख्स हैं जिन्हें ये पुरस्कार 2005-2006 के लिए मिला था, इनका संबंध भी रोहतक से है। पंडित श्री राम शर्मा, हरियाणा तिलक नामक साहित्य पत्र का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया, पंडित श्री राम शर्मा। उसके पश्चात भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स हैं, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये मुख्य विभूतियां दीनबंधु सर छोटू राम, जगदीश प्रसाद चौधरी, पंडित श्री राम शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जानी मानी हस्तियां रोहतक से। इसके पश्चात विभिन्न स्थान जो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं रोहतक में, वो कौन कौन से हैं। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1976 में की गई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। PGIMS जिसकी स्थापना 2008 में की गई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका पूरा नाम है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हरियाणा का एकमात्र IIM ये रोहतक में है, इसकी स्थापना 2011 में की गई रोहतक में। इसके पश्चात बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित किया गया, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय ये भी रोहतक में है। गौकर्ण तालाब, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है हरियाणा से संबंधित विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हुए हैं, गौकर्ण तालाब भी रोहतक में स्थित है। तिलियार झील जिसे इंदिरा झील के नाम से भी जाना जाता है, तिलियार लेक। मैना रिसोर्ट जिसकी स्थापना 1975 में की गई, ये हरियाणा टूरिज्म का एक उपक्रम है मैना रिसोर्ट। हिरण उद्यान रोहतक के महम ब्लॉक में है हिरण उद्यान। अन्य प्रसिद्ध स्थानों में शीतला माता मंदिर और शीशे वाली मस्जिद, ये प्रश्न भी काफी बार रिपीट हुआ है HSSC के एग्जाम्स में, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पाई जाती है, रोहतक में। तो ये महत्वपूर्ण स्थान, एक बार इनका क्विक रिवीजन लेंगे हम कंप्लीशन के बाद। विभिन्न मेले जो रोहतक में आयोजित किए जाते हैं, बाबा मस्तनाथ का मेला जो अस्थल बोहर रोहतक में आयोजित किया जाता है, बाबा मस्तनाथ का मेला अस्थल बोहर रोहतक। मेला बाबा जमुनादास का मेला भालोट, रोहतक के भालोट में आयोजित किया जाता है बाबा जमुनादास का मेला। इन सभी से अन्य जो महत्वपूर्ण और बिंदु हैं रोहतक से संबंधित, वो हैं कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र, रोहतक को कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र माना जाता है। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में रोहतक का उल्लेख मिलता है अग्रोहा के साथ। तो ये रोहतक जिले से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक वीडियो के रूप में, आइए एक बार इसका क्विक रिकैप लेते हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में रोहतक का उल्लेख मिलता है अग्रोहा के साथ साथ, अग्रोहा और रोहतक का उल्लेख है दिव्यावदान में। मेले जो आयोजित किए जाते हैं, बाबा मस्तनाथ का मेला अस्थल बोहर में और बाबा जमुनादास का मेला भालोट में। महत्वपूर्ण स्थान जो प्रसिद्ध हैं रोहतक के, शीतला माता मंदिर, शीशे वाली मस्जिद, हिरण उद्यान रोहतक के महम में, मैना रिसोर्ट,
तिलियार झील या इंदिरा झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, गौकर्ण तालाब, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र IIM रोहतक में है, पंडित भगवत दयाल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसकी स्थापना 2008 में हुई, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1976 में हुई। ये प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान है रोहतक जिले के। इसके बाद विभिन्न विभूतियां जिन्होंने रोहतक में जन्म लिया, दीनबंधु सर छोटू राम, जगदीश प्रसाद चौधरी जिन्हें राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला, पंडित श्री राम शर्मा जिन्होंने हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन किया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स। सांसद रोहतक के श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके पश्चात फिल्म जगत से संबंधित जो निर्माता निर्देशक रहे हैं श्री KP कौशिक, अरविंद स्वामी, अशोक घई, सुभाष घई और अश्विनी चौधरी, ये निर्माता निर्देशक रहे हैं रोहतक जिले से, काफ़ी जानी मानी हस्तियां हैं ये। फिल्म क्षेत्र में अभिनेत्री पूजा बत्रा, गायिका जसविंदर नरूला और अभिनेता रणदीप हुड्डा। खिलाड़ी रोहतक से खिलाड़ी रही हैं साक्षी मलिक जिनका कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, ममता खर गोल्डन गर्ल 2002 मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, कप्तान थी ये उस समय भारतीय महिला हॉकी टीम की। साहित्यकार सैयद गुलाम हुसैन शाह जो एक मुस्लिम संत थे और जगबीर राठी, ये मशहूर साहित्यकार हैं रोहतक से। हरियाणा का प्रथम कॉलेज, हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकी राम शर्मा 1926 में स्थापित किया गया रोहतक में। पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 में रोहतक में बना, और हरियाणा का रोहतक एक ऐसा जिला है जिसमें शिवालिक की पहाड़ियां नहीं पाई जाती। मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, रोहतक में कांग्रेस की पहली शाखा 1888 में बनी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई सभा के मुख्य अतिथि मोतीलाल नेहरू रहे। रोहतक में बनाए गए बम किस वायसराय की रेलगाड़ी उड़ाने के लिए प्रयोग किए गए, लॉर्ड इरविन 1 दिसंबर 1929 को। एंशियंट हिस्ट्री में रोहतक का नामकरण राजा रोहतास भ्रूम के नाम पर हुआ। मोहम्मद गौरी ने भी रोहतक पर आक्रमण किया 1194 ईस्वी में, और महम की बावड़ी किस शासक द्वारा बनवाई गई, सुद्धो कलाल, जानी चोर की गुफा भी महम में पाई जाती है। तो दोस्तों ये हरियाणा राज्य के रोहतक जिले से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो की इंस्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम इसी प्रकार से अन्य राज्यों के विभिन्न जिलों से संबंधित सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन डालेंगे विभिन्न वीडियोज़ के द्वारा। तो इंतज़ार करते रहिए आप और जुड़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।